हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित भी रख रहे हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 24, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में भी हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा जो सोशल स्टडीज़ है उसका हम हिस्ट्री पार्ट कर रहे हैं आज, और वर्कशीट नंबर है 24। और इस वर्कशीट की डेट है आपकी 22 अक्टूबर 2021, और ये क्लास 8 की वर्कशीट है, ठीक है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, और अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन मेंशन करना है, ABCD जो भी आपका, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये वर्कशीट। ये है आपका पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि भारत पर अंग्रेज शासन करते थे। पहले अंग्रेज जो थे वो व्यापारी के रूप में भारत आए। पहली बार भारत आने वाला जो व्यापारी था वो वास्को डी गामा था, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारत पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया, और जैसे ही उन्होंने शासन स्थापित किया वैसे ही उन्होंने अपने नियम कायदे कानून सब चीज़ें भारतवासियों के ऊपर लगानी शुरू कर दी। ये जो उनका शासन था ये लगभग 200 साल तक चला। पहला जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया वो था हमारा 1857 का विद्रोह, ठीक है। 1857 का विद्रोह जो है वो बहुत फेमस विद्रोह है, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने शुरुआत की थी इस विद्रोह की, जैसे तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपकी बेगम हजरत महल, नाना साहब, ये सब जो लोग थे इन्होंने भारत को पहली बार अंग्रेजों से आज़ाद कराने का बेड़ा अपने सिर पर उठाया था। इन्होंने शुरुआत की थी कि इन्होंने ये शुरू किया कि हम अब अंग्रेजों के अधीन नहीं रह सकते, हमें एकजुट होकर उनके शासन को ख़त्म करना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी जो कमी रही इस विद्रोह की वो ये थी कि सब एकजुट नहीं थे, और सभी ने अलग अलग जगह विद्रोह किया। सभी जो विद्रोही थे या जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, उन्होंने अलग अलग जगह विद्रोह किया और अंग्रेजों को हराने की कोशिश की। 1857 के विद्रोह का जो बे आधार माना जाता है वो ये कहा जाता है कि जैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे। अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के कारण उन्हें अंग्रेजों के ही नियम और कायदे कानून मानने पड़ते थे। तो जब पहली बार उन्हें ऐसे कारतूस दिए गए जिसमें कहा जाता है कि सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगी होती थी, जैसे वैसे हम लोग आप लोगों ने कभी कारतूस नहीं देखे होंगे, हमने भी नहीं देखे, पर ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसे कारतूस थे कि उन्हें बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और जहां से खोला जाता था वहीं पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। क्योंकि हम भारतीय थे, हम ज़्यादातर हिंदू धर्म से संबंधित थे, और हम नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, यानी कि हम शाकाहारी थे ज़्यादातर, तो जो सैनिक थे उन्होंने ये कार्य करने से मना कर दिया। परंतु अंग्रेजों ने उन्हें फोर्सफुली यानी कि दबावपूर्वक ये कार्य कराना चाहा, तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपनी बटालियन में विद्रोह कर दिया, अपनी बटालियन में, और तात्या टोपे ने भी उनका साथ दिया। तो इस तरीके से जो विद्रोह होते गए बढ़ते गए, और उसी विद्रोह ने एक प्रचंड रूप धारण कर लिया जो कि 1857 का विद्रोह कहलाया। 1857 के विद्रोह से पहले जो भारत पर शासन करते थे वो कंपनी राज्य थी, राज्य करती थी। 1857 के विद्रोह के बाद सीधा ब्रिटिश क्राउन ने, जिसे हम ब्रिटिश राज्य कहेंगे, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ है ये देखते हैं। ये मैंने आपको 1857 का विद्रोह बताया, अब इसके बाद क्या हुआ है वो देखते हैं। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। ये विद्रोह लगभग 2 साल चला, 1857 के अगस्त के महीने से लगभग शुरू हुआ, और 59 के आखिरी महीने में ख़त्म हुआ, आखिरी तक के महीनों में ख़त्म हुआ।
पर उसके बाद अंग्रेजों ने जो थी वो अपनी शासन नीति बदल दी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले कंपनी का राज्य हुआ करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश ने यानी कि ब्रिटेन क्राउन ने खुद सीधा डायरेक्ट अपने हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ बदलाव किए, वो बदलाव इस प्रकार थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 के बाद नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। जैसे कि बताया था मैंने कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी सारे अधिकार ले लिए और सीधा ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित कर दिया। उसके सही प्रकार से कार्य संचालन के लिए एक मंत्री परिषद बनाई गई, या मंत्रिमंडल कह सकते हैं, बनाया गया, और उस परिषद का नाम बाद में रखा गया इंडिया काउंसिल। ठीक है, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, फिर गवर्नर जनरल का ओहदा जो था वो वायसराय को दे दिया गया। यानी कि जो पोस्ट थी, जो भारत पर शासन कर रहा था, उस व्यक्ति का पोस्ट बदल दी गई, वायसराय बना दिया गया। और ये वायसराय जो था वो सीधा जो ब्रिटेन में अभी भी किंगडम रूल करता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अधीन अभी भी इंग्लैंड चलता है, पर वहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है। वहाँ के राजा का ये निजी प्रतिनिधि माना जाता, मतलब उनका डायरेक्ट रिक्रूट होता था, ये सीधा उन्हीं के द्वारा भेजा गया था, और इस प्रकार से वो सीधे भारत पर शासन करने लगे। आगे है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दंतक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करती हूँ, ये दंतक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बच्चा। झांसी के राजा जो थे वो बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई, तो झांसी के राजा की कोई संतान नहीं हुई थी, और झांसी की रानी ने जो एक बच्चा गोद लिया था उसे अंग्रेजों ने शासक मानने से मना कर दिया था, जिसके कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। उस विद्रोह के बाद उनकी मृत्यु हो गई, वहाँ अंग्रेजों ने शासन कर लिया। लेकिन विद्रोह समाप्त होने के बाद उन्होंने भारतीय राजाओं को यह भरोसा दिलाया, भारतीय शासकों को यह भरोसा दिलाया कि उनके किसी भी भूक्षेत्र को, यानी कि उनके जो राज्य क्षेत्र है, उनका जो अधिकार क्षेत्र है, उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासतें, अपने वंशज और जो दंतक पुत्र होगा, यानी कि जो गोद लिया हुआ बच्चा होगा, उसे भी अपनी जो सत्ता है, अपना कार्य क्षेत्र है, अपना राज्य है, वो सौंपने का अधिकार होगा। पर उन्हें ये प्रेरित किया जा रहा था कि वो जो ब्रिटेन की रानी है, रानी विक्टोरिया, उन्हें अपना राजा माने, अपना अधिकारी माने, और उन्हीं के अधीन सरकार और अपना राज्य का सही से संचालन करें। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। पहला क्या किया गया कि जो भारतीय सैनिक थे, मान लीजिए पहले अगर 100 में से 50 भारतीय और 50 ब्रिटिश थे, तो अब उन भारतीयों का अनुपात कम कर दिया गया और ब्रिटिश सिपाहियों का अनुपात जो था वो बढ़ा दिया गया। और ये भी निर्धारित किया गया कि जो हमारा मध्य भारत का हिस्सा था, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को ना लेकर, क्योंकि जो विद्रोह हुआ था वो मुख्य रूप से हमारा मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और बिहार और कुछ दक्षिण भारत के हिस्सों में हुआ था, तो उन्हें ना लेकर अब गोरखा, जो कि हमारे ईस्ट इंडिया के वो हैं, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, सिख और पठान जो कि मुस्लिम्स होते हैं, और सिख जो हैं जो हमारे पंजाबी समुदाय, यानी कि जो पूर्व के पश्चिम के जो पूर्व के जो वो थे, उत्तर भारत में जो लोग थे, उनको सेना में शामिल किया जाने लगा। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त कर की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। जो मुस्लिम लोग थे उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उन्हें
संदेह के भाव से देखा जाने लगा और ये माना जाने लगा, ये मानते थे ब्रिटिश कि यह विद्रोह उनके द्वारा ही किया गया है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, यानी उन्होंने भारत को जो धार्मिक स्वतंत्रता थी वो देने का निश्चय किया। भू स्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। जो पहले उन्होंने क्या किया था कि जो भी भारतीय जमींदारों की जमीनें थी उनको हड़प लिया था, पर इस विद्रोह के बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ नियम कायदे कानून बनाए जिसके अनुसार उनकी जो भारतीय जमींदार थे उनको ज़मीनें वितरित की गई और उनसे कर वसूल किया गया। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ। बहुत सारे बदलाव आए जिनमें से ये कुछ मुख्य थे। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किया? तो इसका उत्तर यहाँ पर है हमारा, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट का उत्तर है। ब्रिटिश संसद ने 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों के को संभालने का जिम्मेदार बनाया गया। उससे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया, ये भी हो सकता है। आप इन दो पैराग्राफ को मिला के भी इसका पूरा आंसर लिख सकते हैं या फिर हम फर्स्ट को भी लिख सकते हैं। अगला है, आपके विचार से अंग्रेजों ने ये बदलाव क्यों किए? हमारे विचार से अंग्रेजों ने ये बदलाव इसलिए किए क्योंकि जो पहले था, पहले भारतीय जो लोग थे वो ब्रिटिश सेना में भी अधिक थे, ब्रिटिश जो कार्य सत्ता है उसमें भी अधिक थे, और उन्होंने ये सोचा कि अगर इनकी संख्या बढ़ती गई तो ये आंतरिक विद्रोह कर सकते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के की सत्ता को गिराकर भारतीयों की सत्ता स्थापित कर सकते हैं। 1857 के पश्चात सेना में क्या बदलाव किए गए? उसका उत्तर सीधा सीधा ये रहा कि ये नंबर 3 का आंसर है। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई और अवध बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को ना लेकर गोरखा सिखों और पठानों को सिपाही के रूप में भर्ती करने की योजना बनाई गई, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा, विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे, टिप्पणी दीजिए। ये 1857 का विद्रोह जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। इसका कारण यह है कि इससे पहले जो विद्रोह किए गए थे वो बहुत छोटे छोटे स्तर पर किए गए थे, जैसे किसानों ने विद्रोह कर दिया, साधुओं ने विद्रोह कर दिया, कारीगरों ने विद्रोह कर दिया, पर 1857 का जो विद्रोह था उसमें बहुत हद तक सभी समूह एक साथ आए थे। और ये जो पहला विद्रोह था ये इस बात का प्रमाण दे रहा था कि आगे आने वाले समय में अंग्रेजों की सत्ता जो है वो हिल रही है और वो भारत पर ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते हैं। और इसका प्रभाव जो था वो सभी क्षेत्रों पर पड़ा। वो क्षेत्र देखिए ये रहे हमारे कि अंग्रेजों ने भारतीयों को धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने लगे, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, भू स्वामियों और जमींदारों को सही प्रकार से जमीन का वितरण किया और कर वसूली की सही से नीतियाँ बनाई। ये जो 1857 का विद्रोह था उसने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रख दी थी और इसके पश्चात जो बाकी जितने भी विद्रोह और जितने भी आंदोलन हुए वो उसी नींव को आधार मानकर हुए थे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी और इसके सोल्यूशन आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर यूज़फुल रहे हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बाकी की वर्कशीट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।